बाद। बेटा जिस दिन आपके पापा टाइम पे काम कर देंगे ना, उस दिन हम लोग पास्ता छोड़ देंगे। ये लो आपका, और संध्या ये आपका। थैंक यू माय हस्बैंड। अब तुम एक काम करो, ये बहुत लेट हो रही है, इसे छोड़ दो। अरे तुम सुनो, तुम आज इसको स्कूल ड्रॉप कर दो, मैं काफी लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है। और हाँ, आज घर का टेंशन ना लो, घर की, घर में जरा सी भी गंदगी नहीं मिलेगी, वॉशरूम एकदम क्लीन मिलेगा, और शाम से पहले सारे कपड़े घर के अंदर, और रात में हल्का सा खाना। क्यों? तुम लोग जाओ, मैं लॉक लगा के आ जाऊंगी। चलो संध्या। बाय मम्मी। बाय बेटा, तुम इसको लेके जाओ, मैं घर लॉक करके आती हूँ। ओके। पूरे एक हफ्ते बाद। सॉरी, मैं वरुण के साथ बाहर गई थी। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। सॉरी ना बाबा। अगर यार तुम्हें उससे इतना ही प्यार है तो वहीं रहो ना, यहाँ पे क्यों आती हो? सुमित, वरुण ने बोला था 3 दिन के लिए चल लेते हैं बाहर, फिर उसके बाद उसने बोला 3 दिन और रुक जाते हैं, ऊपर से संध्या भी जिद करने लगी तो रुकना पड़ा। चलो छोड़ो, कोई नहीं। सुमित तुम नाराज हो मुझसे? तुम हो इतनी प्यारी यार, नाराज होकर करूंगा भी क्या? और रही बात नाराज होने की, उस बात को 6 साल हो गए। सोनू भाई। हाँ। देखो भाई, लास्ट बॉल बची है और 2 रन चाहिए। ठीक है, बॉलिंग है थोड़ी देख के कराना। यॉर्कर डाल दूं? डाल दो। ठीक है। उधर यार सोनू भाई, आज का मैच ना बहुत अच्छा था, लेकिन अगर वो हम कैच पकड़ लेते ना तो पूरा मैच अपना था। यार वो तो बात तुम सही कह रहे हो, लेकिन यार मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती। तो पे मैच हम भी खेलते हैं और तुम भी खेलते हो, पर यार हमारे स्कूल में तो वो कोई गुलो है ही नहीं, तुम्हारे स्कूल में इतना गुलो कैसे है? तुम्हें पता है, मेरी स्किन का ध्यान रखने के लिए मुश्टैक का हर्बल स्किन लाइटनिंग किट है, और इस किट के अंदर आता है हर्बल स्किन लाइटनिंग स्क्रब और साथ ही हल्दी अनरिच्ड फॉर्म फेस वॉश। यार मुझे ना बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी स्किन पे एकदम टैनिंग हो गई है, नेचुरल ग्लो नहीं रहा है, हमारी जो स्किन है वो एकदम डेड हो गई है। तो मैं तेरे को बता दूं भाई, ये जो मुश्टैक का हर्बल स्किन लाइटनिंग स्क्रब है, ये सारी प्रॉब्लम को दूर कर देता है। मतलब जो आपका नेचुरल ग्लो है वो वापस आ जाएगा, जो आपके फेस पे टैनिंग हो रखी है वो एकदम हटा देगा, जो आपको एक्ने की प्रॉब्लम होती है ये उसको दूर कर देगा, और जो आपकी डेड स्किन है ये इसको एकदम रिमूव कर देगा। तुम्हें पता भाई, मैं ना वीक में इसे 2 बार यूज करता हूँ, मतलब ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना ये सबसे मैं बहुत दूर हूँ। और तुम्हें पता है, इस स्क्रब के अंदर हल्दी और एलोवेरा बीट्स है, जो कि हमारी डेड स्किन होती है उसे एकदम रिमूव कर देता है। देखो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले इसे अपने फेस पे लगाना है, जैसे कि चिक्स पे, नोज पे, फोरहेड पे, नेक पे। इसे 5 से 7 मिनट लगा और आराम से इसे लगे रहने दे। और अब बात आती है हल्दी अनरिच्ड फॉर्म फेस वॉश की। इसमें है हल्दी के रियल एक्सट्रैक्ट्स जो कि हाइपर पिगमेंटेशन कम करते हैं और फेस को डीपली क्लीन करते हैं। लेकिन यार एक बात तो बता, मैं इसे खरीदूंगा कैसे? भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये आपके घर बैठे आएगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखा है और उस लिंक को मैंने कमेंट में भी पिन कर रखा है। ये देखो, ये मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोला, ये पहले लिंक पे गए, नीचे गए, और ये मैंने कर दिया इसे बाय। बढ़िया है यार। और भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे ऑर्डर कर दो, आप एकदम हैप्पी रहोगे। ठीक है, अभी करता हूँ। तो गाइस मैं सच बता रहा हूँ, इससे पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ और मेरे को बहुत मजा आता है इसे यूज़ करने में। अगर आप भी चाहते हो अपनी स्किन का ध्यान रखना तो अभी ऑर्डर करो मुश्टैक का हर्बल स्किन लाइटनिंग किट और अपनी फेस का ध्यान रखो। ये ले भाई, ये तो हो गया ऑर्डर, पर ना अगली बार से ना उसको नहीं लेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि यार वो ना कैच ठीक से पकड़ता नहीं है, उसकी जगह ना लेफ्ट को लेंगे। चलो यार अगले मैच के अगले में देखेंगे, घर चलते हैं। चलो। खाना क्या बाहर से मंगवाया था? हाँ। झूठ बोल रहे हो। जब तुम्हें सारी बातें पता है तो तुम पूछ क्यों रही हो? अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने सारे बिल्स भर दिए? भर दिए। मेंटेनेंस? डन। वाह, सारे काम कर दिए। यार मैं तुम्हारे साथ 6 साल से हूँ तो मुझे ना इन सब की ना आदत पड़ चुकी है। ओ। तुम ये सब बात छोड़ो, मुझे इतना बताओ, थोड़ी सी वाइन पड़ी है, 2-2 पैक हो जाए। अरे नहीं यार, मूड नहीं है।
अरे मूड का क्या है, मूड तो बन जाएगा। इतनी रात हो गई अभी तक आप लोग सोए नहीं। अच्छा बेटा रात तो आपके लिए भी हो रही है, आप क्यों नहीं सोए? आप दोनों धीरे बात करो और जाके सो जाओ। हाँ हाँ बेटा आप ठीक कह रहे हो। वरुण चलो सोने चलते हैं। इधर बैठो। बेटा अभी ना मम्मी पापा कुछ काम है, एक काम करो आप जाके आराम से सो जाओ, अभी हमें थोड़ा सा कुछ काम है। धीरे बात करना। ओके बेटा गुड नाइट बाय। और तुम क्या जा रही थी? कहाँ? अरे बाबा देखो ना। हाँ क्या देखो, क्या देखो? यार वो परेशान। कोई परेशान नहीं होगा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख। चलो मेरे साथ। कहाँ? घूमने। शाम तक आ जाएंगे ना वापस? 4 दिन लगेंगे। सुमित एकदम से नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? वरुण को क्या बोलूं? तुम्हारे लिए सब वही है ना, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। सुमित आज तो तुमने ऐसा बोल दिया, लेकिन आज के बाद मत बोलना, मेरे लिए सब इक्वल है। तो एक काम करते हैं, हम कल चलते हैं। सुमित फिर कभी। मैं भी जा रहा हूं, अगर तुम्हें चलना हो तो मस्त कर लेना। सुमित सुमित मेरी बात सुनो। मम्मी मम्मी मुझे भूख लग रही है। बेटा पापा से बोल दो। आप पास्ता बना दो। बोल दिया ना, पापा से बोल दो। वर्षा क्या तुम्हें पास्ता खाना है? 5 मिनट रखो, तुम टीवी देखो, मैं बना के लाता हूँ, ठीक है? जाओ। वर्षा क्या तरीका था बात करने का? सॉरी। नहीं क्या सॉरी, क्या तरीका था, हुआ क्या है तुम्हें? वरुण देखो मेरा ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, तो मुझे काम की टेंशन हो रही है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है। वो बॉस मैं आपको कॉल कर रही थी। हाँ बोलो। मीटिंग के लिए कब निकलना है? मैं तो बस निकलने वाला हूँ। क्या? बाद में बात करता हूँ। ओके बॉस। वरुण एक गिलास पानी ला दो। ला दो। सॉरी यार काम का बहुत ज्यादा लोड है। इतना लोड? कभी कभी होता है बाबा, समझो। चलो ठीक है, एक काम करो, उसका पास्ता खत्म होते ही उसके पास जाना, उससे बात करना, वरना वो गुस्सा हो जाएगी और ये सोचेगी कि मम्मी उससे बात करने नहीं है। सारे कार्टून मुझे मिले। अब जो जो डिजर्व करता है उसे वही मिलता है। जैसे कि देखो मैं एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करता था, वो कंपनी बंद हो गई, उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगा, उसके बाद तुम आई और पूरे घर को संभाला। अब सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तो बस वो ठीक इसलिए चल रहा है क्योंकि तुम हो मेरे साथ और मैं हमेशा साथ रहूंगी। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो मैं जाती हूँ उसके पास। और हाँ स्माइल करके जाऊंगी। क्या बात है सोनू भाई, इस बार मैच खेलने नहीं आए आप? यार कुछ नहीं यार, वो फैमिली साथ में घूमने गया था। ओ अच्छा, और बताओ तुम्हारी फैमिली कैसी है? मेरी फैमिली में सब बढ़िया। एक टाइम था यार जब तुम्हारी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी, तुम्हारी बेटी की पैदा होने में सारी प्रॉब्लम दूर होगी तुम्हारी। मैं भी यही सोचता हूँ, अगर वो मेरी जिंदगी में ना होते तो मेरा क्या होता। सही कह रहे हो भाई। चलो मेरी बेटी का कॉल आ गया। मैं तुम्हें इतना बताने आया था कि परसों मैच है, आना है। ठीक है परसों मिलते हैं, ठीक है? वर्षा तुम्हारा फोन आ रहा है। रुको 2 मिनट में अभी आएगा। ठीक है।
हाय बॉस, वो ना अभी 5 मिनट में आपको कॉल बैक करती है, वो ना वॉशरूम गई है। कॉल कट कर दिया सीधा। लाओ मेरा फोन। तुम्हारा बॉस बहुत रूड है यार, मैंने बोला फोन उठाकर कि वो अभी 5 मिनट में आ रही है, फोन ही कट कर दिया। तुमने फोन उठाया? और क्या, मेरे को पार्क जाना है। तो तुम एक काम करो, अपनी मम्मी को बोलो वो तुम्हें लेकर जाएंगे। एक काम करो वरुण, तुम इसको लेके चले जाओ, घर का कितना सारा काम है। वो सब मैं कर लूंगी, तुम इसको लेके चले जाओ। चलो बेटा पार्क चलते हैं। और सुनो, आइसक्रीम बिल्कुल भी मत खिलाना इसको। नो आइसक्रीम, ओनली वन आइसक्रीम। चलो वरुण, नो। नो मींस नो। चलो 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 चलो। फोन तुम्हें दिखता नहीं है ना, मैसेजेस ना कॉल्स, रिप्लाई तुम्हें करना नहीं होता। सुमित सॉरी यार। देखो वर्षा ये मत भूलो, तुम्हारी शादी हो चुकी है और मैं तब भी तुम्हारे साथ रह रहा हूँ यार, ऑप्शंस बहुत है मेरे पास। अच्छा तो तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस है, ठीक है तुम जाओ। यार तुम गुस्सा दिला देती हो, मैं क्या बोलूँ। और नहीं, अब तुम ना उन ऑप्शंस के पास जाओ। मैं वर्षा, वर्षा मेरा वो मतलब नहीं था। वर्षा मेरी बात सुनो, वर्षा वर्षा आइसक्रीम अच्छी है ना? खाओ खाओ तुम खाओ। देखो यार मैं सॉरी बोलता हूँ, इसने बहुत जिद करी थी। आपने जिद करी थी ना? नहीं करी थी आपने, अभी डर गई होगी। देखो मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, आज के बाद नहीं होगा ऐसा। मैंने मना किया था ना। अरे कोई बात नहीं यार, लास्ट आइसक्रीम है, इसके बाद नो आइसक्रीम, ओनली चॉकलेट, ठीक है? हाँ वेट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता था तुम ना इसको पार्क के बहाने यहाँ लेके आओगे, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। लगवा दी ना क्लास। चलो घर पे बैठ के बात करते हैं, अच्छा थोड़ी लगेगा, 4 जने यहाँ पर सुनेंगे। आओ बेटा आओ, ये तुम्हारी लास्ट आइसक्रीम है, चलो खाओ खाओ इसे खाओ। वर्षा वर्षा, यार मैं सोच रहा था कि। क्या सोच रहे थे आप? कि मैं दोबारा जॉब कर लूं, राइट? हाँ। वरुण तुम्हारी लाइफ में जॉब नहीं, बीवी का प्यार लिखा है, और वैसे भी सब कुछ ठीक तो चल रहा है। हाँ यार सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन देखो ज्यादा ओवर सोचने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम घर संभाल रहे हो यार, ये भी तो एक काम है ना। हाँ यार वर्षा, लेकिन हर लफ्ज बन जाए क्यों नाम तेरा। बोलो सोनू भाई। चल ठीक है यार मैं चलता हूँ। चलो जाओ, और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, भाभी एकदम ठीक हो जाएंगी। बस यार तेरी भाभी की ना ट्रीटमेंट ठीक से हो जाए। भाई मैं बोल तो रहा हूँ किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कैसी भी हेल्प चाहिए हो मुझे फोन करना। चल ठीक है यार मिलता हूँ। ओके, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है। वर्षा मुझे तुमसे कुछ बात क्लियर करनी है। हाँ बोलो सुमित। 6 साल हो गए मैं ऐसे, बस अब मैं और नहीं रह सकता। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हें तो बाबा मैं तुम्हारी तो हूँ। ऐसा होना भी ना होने के बराबर ही है। मैं चाहता हूँ तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स लो और मेरे पास आओ। फिर वही बात, ऐसा नहीं हो सकता सुमित। तो ठीक है फिर हमें अलग होना पड़ेगा। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, वो इतना अच्छा है, फिर ऐसे में क्या प्रॉब्लम है? कब तक, आखिर मैं कब तक रहूंगा यार, मेरी भी कोई जिंदगी है। देखो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, तुम ऐसे ड्रामे क्यों कर रहे हो? ड्रामे पहले थे, अब बात जिंदगी की है। तेरे पास कल तक का टाइम है, सोच ले बता दे। क्या हो गया, आप इतने सैड क्यों बैठी हो? वरुण मैं आपसे कुछ मांगू तो दोगे मुझे? हाँ
ये भी नहीं पूछोगे कि मुझे क्या चाहिए? नहीं, और वैसे भी जो चीज तुम मांग रही हो वो तुम्हें अच्छी लगती होगी इसलिए मांग रही हो ना। और वैसे भी तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अब बताओ क्या चाहिए? वर्षा क्या चाहिए? नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। ले अभी चाहिए था और अब कुछ नहीं चाहिए, जल्दी बताओ क्या चाहिए? अरे वो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। अब तुम बताओगी क्या चाहिए? आज मूवी देखने चले। हाँ चलो। अब तो मुझे इतना बताओ कि क्यों बैठी हो तुम ऐसे? कुछ नहीं बाबा, तुम रेडी हो जाओ, चलते हैं। सच में कुछ नहीं है? हाँ हाँ ठीक है। संध्या रेडी हो जाओ, आज हम मूवी देखने जा रहे हैं। आई नो तेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और तू मेरे साथ शुरू से रिलेशन में है, लेकिन ऐसे हम कब तक रहेंगे? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ले। तू खुद बोलती है मुझसे प्यार करती है और मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, तू बस अपने हस्बैंड और अपने बच्चे की वजह से रुकी हुई है। लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो यार तू हो सके तो डाइवोर्स ले ले। बेटा पापा कहाँ हैं? मेरा फोन कहाँ पे है? जाओ ढूंढ के लेके आओ। फोन भी नहीं उठा रहे। कितनी पी ली है जो चला भी नहीं जा रहा? अरे मैं एकदम ओके हूँ, छोड़ो मैं नॉर्मल हूँ। आप कहाँ गए थे? मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया। दोस्त? कौन सा दोस्त? अरे विनय। इससे पहले तो आपने कभी नहीं बताया अपने दोस्त के बारे में। यार कभी कभी जो होता है ना वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो कभी। सॉरी यार वर्षा, मैंने तुम्हारा प्लान कैंसिल कर दिया। आई नो मैं बहुत गंदा हूँ, मैं तुम सबको होश नहीं रख पाता। आई नो एंड आई एम सॉरी,
मैं बहुत गंदा हूँ, मैं तुम खुश नहीं रख पाता। वरुण, तुमने रात को इतनी क्यों पी रखी थी? मैं तुम्हें पीने के लिए हाँ करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं तुम इतनी पियोगे। वरुण, मैं बात कर रही हूँ तुमसे। अरे बहन, नहाने जा रहा हूँ यार, नहाने जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, जाओ नहाने, मुझे भी मार्केट जाना है। जाओ। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जाने ना। तो तुमने सोचा? किस बारे में? जो मैंने वॉइस नोट भेजा था उस बारे में। वॉइस नोट? वेट, तुम बस ये बताओ, तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओगे या नहीं? सुमित, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ या ना? सुमित, बात समझो। ठीक है, मैं समझ गया, उतरो। सुमित, मेरी बात सुनो। मैंने कहा गाड़ी से उतरो। सुमित प्लीज उतरो। वरुण, वर्षा, 6 साल से तुमने मेरा पागल बना रखा था, माना पूरे घर को तुमने संभाला, लेकिन इसके बदले में तुमने ये सब किया। वर्षा, तुम दो इंसान से कैसे प्यार कर सकती हो? इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता चुन लिया। जो मेरी खुशियां हैं उसको मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं, और तुम्हारी खुशियां जिसके साथ हैं तुम उसे अपना लो। और हाँ, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, हम तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं। और हाँ, हमारा जो साथ था वो यहीं तक था। मैं अपनी बच्ची का ख्याल रखूंगा, और तुम अपना रखना। बाय, टेक केयर। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहां। सुमित यार, मैं तुझे एक हफ्ते से फोन कर रही हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? यार मैं बिजी हूँ, बोल। सुमित, मुझे मिलना है। यार देख, मैं अभी तेरे से मिल नहीं सकता। मिल नहीं सकता? पर क्यों? क्योंकि अब मेरी एंगेजमेंट हो गई है, और अब प्लीज मुझे तेरे से नहीं मिलना। कब से आंखें मेरी तेरे बिछी, भूले से ही कभी। देखो, इन सब बातों को ना 5 साल हो चुके हैं, तुम्हें ये सब अपने मन से निकालना होगा, नहीं तो ये चीजें और हावी होगी तुम्हारे ऊपर। तो जितना जल्दी हो सके इन सबको अपने मन से निकालो, और जो मैं दवाइयां देता हूँ ना उसे टाइम से लो, अगर आपको ठीक होना है तो। तू मिल जाए कहीं, भूले ना मुझसे बातें तेरी भीगी है, हर पल आंखें मेरी क्यों सांस लूं।
क्यों मैं जीऊं जीना बुरा सा लगे, क्यों हो गया तू बेवफा मुझको पता दे वजह, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया कैसे जिया। हे गाइस, गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी है। और गाइस एक बात और है गाइस, ये है मुश्टैक का प्रोडक्ट जिसका नाम है हर्बल स्किन लाइटनिंग किट। तो गाइस अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहते हो तो इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करो और अपनी स्किन का ध्यान रखो। ओके गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैंने लिंक को कमेंट में भी पिन कर रखा है, तो वहां जाओ ऑर्डर करो मुश्टैक का हर्बल स्किन लाइटनिंग किट और अपनी स्किन का ध्यान रखो। लव यू।